भी सांसद ब्रजलाल से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए रिपोर्ट। आप हमारे साथ बीजेपी के सांसद ब्रजलाल जी हैं और जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। सर, जिस तरह से अलकायदा चीफ जवाहरी को अमेरिका ने जो मार गिराया उसे ड्रोन के जरिए, अब जो है भारतीय एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि उत्तराधिकारी को लेकर, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि इसके अल जवाहरी के मारे जाने से अलकायदा को बड़ा झटका लगा है। अपने देश में अलकायदा का स्लीपर सेल मौजूद रहे हैं, इसके आतंकवादी भी पकड़े गए हैं और जितने भी आतंकवादी संगठन देश में रहे हैं, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, चाहे वो जैसे मोहम्मद, उसने इस पार्लियामेंट पर अटैक किया था, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, हुजी हो, जितने संगठन हैं कहीं ना कहीं ये संगठन आपस में अलकायदा से जुड़े हुए और इस देश के तमाम नौजुवक भी, खासकर केरला और कुछ प्रदेश के, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ नौजुवक इससे प्रभावित होकर के सीरिया और वहाँ इराक भी गए थे, अफगानिस्तान भी गए थे, उसमें तमाम मारे गए, जिसमें आजमगढ़ माडूल भी रहा है, क्योंकि मैं ATS का चीफ रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, इसमें मुझे अच्छी जानकारी है। तो इसके मारे जाने से उसका दूसरा कोई ना कोई सरगना खड़ा होगा और अपने देश को इसमें काफ़ी अलर्ट रहना है, क्योंकि अलकायदा हमेशा उसके निशाने पर भारत रहा है, साउथ ईस्ट एशिया, विशेषकर भारत, इसलिए हमें उसकी काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा इन आतंकवादी संगठनों। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और हर घर तिरंगे को लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के नेता और सांसद प्रमोद तिवारी से, सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने।